तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टेक फॉर। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं पेटीएम की एक प्रॉब्लम के बारे में बात करूंगा। पेटीएम से जब भी आप रिचार्ज करते हैं तो आपके मोबाइल में जो है रिचार्ज नहीं होता है, लेकिन पैसे कट जाते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा ये प्रॉब्लम जो है किस कारण आता है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने जो है पेटीएम से 239 रुपये का रिचार्ज किया है और वो रिचार्ज जो है नहीं हुआ है, और वो पेमेंट जो है कैसे वापस आएगा ये भी बताऊंगा मैं इस वीडियो में। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना बिना स्किप किए। तो यहाँ पे पेटीएम को ओपन करते हैं। मैंने जो है कल 239 रुपये का रिचार्ज किया है, जो रिचार्ज अभी तक नहीं हुआ है, पेंडिंग में है। तो अभी मैं आपको चल के बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको पेटीएम में आ जाना है। पेटीएम में आने के बाद यहाँ पर ये देख लीजिए, प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, और यहाँ पे ये देख लीजिए ऑर्डर एंड बुकिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे ये देख लीजिए जो पेमेंट जो अभी पेंडिंग हुआ था वो यहाँ पे शो हो गया है ऊपर में। तो ये देख लीजिए, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये देख लीजिए इस तरह से आ गया है पेंडिंग, रिचार्ज पेंडिंग लिख के आ गया है, और पैसे जो है कट चुके हैं अकाउंट में से। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो पेंडिंग में चला जाता है तो 2 घंटे के अंदर आपके पैसे जो है आपके अकाउंट में भेज दिए जाते हैं। अगर आपके अकाउंट में नहीं जाता है पैसे तो आपको करना क्या है, यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ पे नीचे देख लीजिए हेल्प वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है यहाँ पे, और ये देख लीजिए तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है पहले से लिखा हुआ होता है, तो मैंने उस पर सिर्फ क्लिक किया था। ये देख लीजिए, मेरे से यहाँ से पूछा गया था ये क्वेश्चन, और ये बताइए आपकी प्रॉब्लम क्या है, इस तरह से पूछा गया था। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, फेसिंग प्रॉब्लम इन गेटिंग रिफंड, मतलब मेरे पैसे वापस नहीं आए हैं, रिचार्ज नहीं हुआ है। तो ये लिखा हुआ है, ये देख लीजिए क्वेश्चन लिखा हुआ होता है, आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, व्हाट मे आई हेल्प यू विथ, तो यहाँ से आप उससे क्या हेल्प चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। तो आई वॉन्ट टू नो स्टेटस ऑफ माई रिफंड, तो इस तरह से ये बोलेंगे तो यहाँ से वो जो है स्टेटस बता देगा। तो यहाँ पे ये देख लीजिए लिखा गया है कि आपके पैसे जो है आपके अकाउंट में भेज दिए गए हैं, लेकिन अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे हैं तो आपको बैंक से संपर्क करना होगा। तो यहाँ पे ये देख लीजिए रेफरेंस नंबर मुझे दिया गया है, ये नंबर जो है बैंक में लेके जाना पड़ेगा। मेरा पेमेंट जो है पेटीएम से कट गया था वो रिफ़ंड हुआ है, लेकिन बैंक अकाउंट में नहीं आया है। तो आप बैंक में जा सकते हैं अगर आपके पास रिफ़ंड नहीं आता है। तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर जो है आपके पास होना चाहिए, तभी आप बैंक में जाएंगे तो वहाँ रेफरेंस नंबर देना पड़ेगा आपको। तो अगर आपके पास पेमेंट कट गया है, अगर पेमेंट नहीं आया, तो ये रेफरेंस नंबर लेके आप बैंक में जा सकते हैं। और यहाँ पे ये देख लीजिए, सबसे पहले आप बात कर लीजिएगा, उसके बाद ये देख लीजिए यहाँ पे ऑलरेडी रिफ़ंड लिख के आ गया। ये देख लीजिए 239 रुपये जो है मेरे जो है रिफ़ंड हो चुके हैं, लेकिन अकाउंट में नहीं आए हैं, तो मुझे बैंक से संपर्क करना होगा। तो इसी तरह से आपके पेटीएम से पैसे कट जाते हैं और वापस नहीं आते। तो इस तरह से आप बात कर सकते हैं पेटीएम वालों से और अपने पैसे को रिफ़ंड मंगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं यही बताने वाला था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। तो आज के लिए बस इतना ही।